यो व्हाट्सअप पोजिस, कैसे हो, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आपके हाल ठीक होंगे, क्योंकि भाई इधर तो हाल खराब होने लगे हैं, क्योंकि फाइनली काफ़ी वेट के बाद कृष्णा भाई ने अपना डिस ट्रैक सीधा ड्रॉप कर दिया। कल इंस्टाग्राम पे जस्ट एक स्टोरी डाली और ड्रॉप कर दिया गाना। और सबसे बड़ी बात, इस गाने का जो नाम है वही अपने आप में एक डिस बन जाता है, क्योंकि भाई इस गाने का नाम रखा है मचाएंगे फोर। आप सबको पता है MBV के मोस्ट हिट गाने हैं मचाएंगे, और इस बार कृष्णा ने वो टाइटल यूज़ किया है मचाएंगे फोर, मतलब ये चौथा पार्ट है उसका। सो प्रोड्यूस किया है पेंडो 46 ने। लेट्स बिगिन, हम गाना सुनते हैं, देखते हैं क्या बातचीत होने वाली है। बाकी कृष्णा लिल बंटी, ओके लिल बंटी, पापा पापा आप ठीक आ गए, भीड़ तो कह रही है मुबारक मिली है मौत, तू तो सिली है बहुत, अब पुसी तू गीली है बहुत, बंटी को लगी है भूख। स्टार्टिंग में ही सीधा मतलब ना गेम ओवर करता है बंदा, पापा पुसी तो सिली है बहुत, मुबारक मिली है मौत, तू तो सिली है बहुत, अब पुसी तू गीली है बहुत, बंटी को लगी है भूख, नाश्ते में मिली थी हार, हार अब मिलेगा डिनर में एल, इसके मुंह से टपकेगी लार लार रैप। नाश्ते में मिली थी हार और डिनर में मिलेगा एल और निकलेगी मुंह से लार। भाई साहब मतलब ये क्या बोल दिया इस बंदे ने, रैप गेम का दीपक कलाल। सबको पता है दीपक कलाल कौन है। नाश्ते में मिली थी हार, हार मिलेगा डिनर में एल, एल इसके मुंह से टपकेगी लार लार, रैप का दीपक कलाल, दीपक कलाल के मरारा हर बार, खारा करारे तू गोटो से करा गरारे, अब ये ले करारा जवाब, रोड डाली कबर में गोटो से गरारे कौन करता है भाई साहब, मतलब किस लेवल का वर्ड प्ले रहता है इस बंदे का। अब मैं गाना नहीं रोकूंगा, लेट्स बिगिन। हार हार अब मिलेगा डिनर में एल, एल इसके मुंह से टपकेगी लार लार, रैप का दीपक कलाल कलाल, क्यों आके मरारा हर बार हर बार, मैं खारा करारे तू गोटो से करा गरारे, अब ये ले करारा जवाब, रोड डाली कबर तेरी निकालो अब काला कोट, वर्तमान में तो सब जानते मैं ज्यादा डोप, ओके नंदू को सड़ेगा ये बम्बू, इस मदर चोट पे गिराऊं बम लगे वाला कोट, उड़ान हर पास बोले भाई साहब, और तुम्हारा तीर तेरे कान में था 2.5 साल, सब जानते लूं उड़ान हर बाज बोले भाई साहब, मतलब मेरी उड़ान देख के बाज भी हैरान रहते हैं। ये बंटी है पुसी, ऑल ही वांट इज अ लोड़ा, ऐसे शौक है मलाई का, हाइप लेने आ रहा पर गांड दे रहा बार बार, चार फुट का लिलीपुट ये करेगा क्या मार धाड़, रिग्रेट करे तेरे फोर फादर, सब ढूंढने पे मिलेंगे या बाप तेरे चार चार, इससे तो पता नहीं किससे अलादीन के, अनपढ़ ख्वाहिश होती पूरी जिन से, तेरी जैस्मिन करती है राइड, हां घुटने किसे है उसने उड़ती कालीन पे, बंदी के बारे भाई साहब मतलब अल्टीमेट लेवल का डिस किया जा रहा है, अल्टीमेट लेवल का डिस भाई, शब्द एक एक भाई एक एक लाइन का इतना कैड़ा मतलब निकलता है ना, अगर मैं ब्रेक डाउन करने लग गया तो वीडियो लंबी हो जाएगी। करेगा क्या मार धाड़, रिग्रेट करे तेरे फोर फादर, सब ढूंढने पे मिलेंगे या बाप तेरे चार चार, तो पता नहीं किससे अलादीन के, अनपढ़ ख्वाहिश होती पूरी जिन से, ओके जैस्मिन करती है। सो MBV ने बोला था ना कि ये अलादीन तेरी विश पूरी करेगा, है ना, फेमस करेगा तुझे, कहना अनपढ़ तेरे को इतना नहीं पता, अलादीन नहीं जिन विश पूरी करता है, घुटने किसे है उसने उड़ती कालीन पे, बंदी के बारे कुछ बोलो ना, पंजाब में फैली थी जैसे वो कोरोना, पर तू भी यार भाई साहब मतलब बेसिकली सुवालिना पे डिस किया जा रहा है। सुवालिना जो पंजाबी मॉडल, आप सबको पता होगा जितने भी बंदे MBV को फॉलो करते हैं, MBV की गर्लफ्रेंड है, और कह रहा है कि पंजाब में वो ऐसे फैली थी जैसे कोरोना, वो गीत MP3 एक लेबल है पंजाब का, उसके साथ साइन है, MBV का भी उनके साथ गाना आया था। कोई कम नहीं है छोटे, हाँ तू भी तो करता है स्वालो ना, हेलो साइबर पुलिस, तू लौड़े का रैपर, हम चलते हैं चौड़े में, करे एंड टॉप हिल की ये बातें पर रहता है खुद ना भी मुंबई के कोने में, ओके सही है भाई कि तुम एंटोफिल की बातें करते हो, पहले चलो सबको पता है भाई एंटोफिल में रहता था, लेकिन अब पैसा आ गया तो भाई क्यों ना वो नहीं मुंबई में जाएगा, मतलब वो बंदा कह रहा है तू एंटोफिल की बातें करता है लेकिन रहता है तू अब भी मुंबई के कोने में, नवी मुंबई के मुंबई के सड़कों पे PhD मतलब PhD, मैंने मानी कभी हार नहीं, तेरे 17 मिली सब्स फिर भी कुछ लंड नहीं उखाड़ी, 6 महीने से हो रहा फ्लॉपी बिना डिस्क के, इसके हो रहे 10 मिली पार नहीं, ओहो मतलब तू पिछले 6 महीनों से तेरा कोई गाना नहीं चल रहा, बिना डिस्क किए तेरे कोई मिलियन पार नहीं जा रहे, 10 मिलियन पार नहीं जा रहे, मतलब 12 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद क्या बात है भाई, जैसे MBV ने डिस किया था ना गानों के पॉइंट उठा के, वैसे ही डिस किया जा रहा है कि म्यूजिक करे हिल मुझे, चला जा झुक दे दूँ फील तुझे।
माइक टायसन तू छोटा सा छोटू यकीन कर चार फुटिया तू गुड़िया पकड़ के अब नींद कर यदि तू लटके रहे मेरे इन टट्टों पे पैर तेरे फिर भी नहीं पहुँच रहे जमीन पर मेरे पास एक सॉलिड सवाल बोल कहाँ है तेरी नॉलेज गवार गानों में करता सिर्फ लौड़े की बात ये नारनिया नहीं आजा क्लोजेट से बाहर फिर हुआ फ्लॉपी कृष्णा को नहीं जानता था नाउ यू नो ऑफ मी तेरे डिस्क का बेस्ट पार्ट जब किया तूने मेरे और रफ्तार वाला ड्रिल फ्लो कॉपी तेरे डिस्क का जो बेस्ट पार्ट है मतलब तारीफ की जा रही है भाई जब तूने मेरे और रफ्तार का जो ड्रिल वाला पार्ट कॉपी किया था तो सामने ही मरोगे मेरे सब यहाँ कश्मीर का मैं थरोब्रेड okay. मैं छड़ा अपना शीशी में लंटो पैदा हुआ बंटी बेटा तुम सरोगेट ये रैपर अब भाई साहब मतलब यार ये डिस आना मतलब मतलब मैंने एमवी का भी डिस सुना था मैंने पूरे डिस पे वीडियोस बना रखी आप देख सकते हो और भाई कह रहा है कि मैंने शीशी में डाला था मैंने सीधा नहीं डाला तू सैरोगेसी से आया है मतलब गंदी जगह पे हम घुसाते नहीं समझ गए होगे आई थिंक सो आप शीशी में डाला था तो जाके तू सैरोगेसी के द्वारा पैदा हुआ लगाए जब से दिमाग में तेरे वो बसने लगाए सदमा सत्य से दिख नहीं रहा सच क्योंकि बिना कांच वाला इसको चश्मा लगाए ओके लगती तू मियां कर सो अब सबको पता है कि एमवी बोलता है बिना कांच का चश्मा वो पहन के भी रखता है ना बड़ा ओल्ड सा मतलब बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन हो गया है अब नहीं मेरे को लगता है वो कोई भी डालता है ना सेंसलेस चीज ही है यार बिना कांच के अकेला फ्रेम लगा के घूमना और कहता है कि तुझे इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि तू बिना कांच का चश्मा लगाता है तेरा नाम और लोगो भी कॉपी है सब देखे मैंने जब था मैं वो टोकरी में ये रैपर नहीं टिकटॉक की छोकरी है बिस्तर में करता ये नौकरी है भाई साहब ये रफ्तार ने यूज़ किया था अपने शेख चिल्ली गाने में ना ये वाला आई थिंक सो शेख चिल्ली में या उससे अगले वाले गाने में और भाई मतलब ये जो वर्ड प्ले हुआ ना इस बार स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है इस गाने का तेरा नाम और लोगो भी कॉपी है सब देखे मैंने जब था मैं वो टोकरी में ये रैपर नहीं टिकटॉक की छोकरी है टिकटॉक की छोकरी करता ये नौकरी है बिस्तर में नौकरी वो करना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में बंटी आई यू फाइन चिल्ला रहा जैसे गश्ती है पसंद डाल साइड अब बंटी बहुत फ्रस्टी है गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड सुना दे रहा तू सस्ती में करना चाहता ग्राइंड भाई यार मतलब रहा उसी के फ्लो में उसी को रिप्लाई है ना जैसे कहते हैं क्या के लूंगा वो हिसाब था भाई और भाई क्या विजुअल रखे हैं भाई वीडियो के वीडियो भी हल्का नहीं है शाउट आउट टू कलमकार ऑलवेज बंटी आई यू फाइट चिल्ला रहा जैसे गश्ती है पसंद डॉलर साइड अब बंटी बहुत फ्रस्टी है गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड सुना दे रहा तू सस्ती में सस्ती में दे रहा ना फोन आ रहा है यार भाई ठीक है भाई अगर एमी भी किसी की माँ तक पहुंच सकता है तो भाई ये सवाल ही ना को क्यों नहीं About to get at you, saap wali medusa ye ban rakhi statue. Mujhse kyun phir raha, kyun banti hai chida? Rupya hai girra, badi dollar ki value. Hmm. Jagah main aaya jagah. Old visual. Kya tujhe corner fasaya tujhe jaan ke? Lode ka khabib disloyal to speed saal lagta hai mujhe. Okay, jaise maa ka samay look pehen ke aaya tha na Krishna, waisi look is gaane mein hai. आया है दगास्तान से 5G जमाना तू 3G पैक पे दिया मेकओवर मैंने ली थी बैक से इसे समझ नहीं आ रहा क्यों लटक रहा है नाना तेरी बिच के लिए she wants easy access देख कैसे लगता है खर्चों पे टैक इसकी एक्स को इजी एक्सेस चाहिए क्या यार मतलब किस कलम से लिखते हैं यार बंदे मतलब बहुत ही क्रिएटिवली लिखता है यार कृष्णा बहुत ही क्रिएटिवली तेरे लेवल वाले तो सारे हैं बरसों से वैक शॉप नहीं करने का बच्चों से बहस नहीं तो गांड में घुसता जैसे कच्चों के टैग डिवाइन ने शो पे मिलाया था ग्रुप शौक नहीं करने का बच्चों से बहस नहीं तो घुसता जैसे कच्चे का टैग मतलब जो टैग लगवाता ना पीछे चुपता है तू बैक स्टेज आया था उस शो के लाइनअप पे प्रब में डिवाइन थे तू तो सिर्फ फोटो खींचाया था लेवल ना मैनेजमेंट व्यंजन था वायरल में कर रहा था शोज इंडिपेंडेंट तू आर्टिस्ट अलाउड पे साइन था पहली बार मैंने मिलाए थे सावन के लोग मुंबई से दिल्ली तक गाना वो मेरा था पहले से बातें बदलती नहीं कहने से बोला को लैब हम जो इन दोनों का गाना आया था ना मतलब वो गाना कृष्णा का था
उसने कहा था कि तू मेरे साथ गाना करने आया था, फिर तुझे हाइप मिला था। फिर शर्ट की गाना आए तेरे ही चैनल से पुरानी माना दिया था गाना, बदले में कुछ भी मांगा एक बार नहीं, चार साल तूने कमाया उस गाने से, किया है तूने मुझ पे कोई एहसान नहीं। ओके, चार साल गाने पे तूने कमाया। बहुत करे कैप अपने टैक्स पे, मैंने क्यों किया डेस, आई एम द ओनली वन डूइंग इट राइट नाउ, बोल के थप्पा लगा रहा था तू रैप पे। ओके, सुनाऊं लाइक गुड नाइट ग्रैंडसन, मेक अ किडनैपर ऑन केयर फॉर रैंसम, सफेद होगी शक्ल नो मैरिलिन मैनसन, अब फाइनली शाहरुख बने फेयर एंड हैंडसम, बंटी बट शाहरुख बने फेयर एंड हैंडसम। दाइयो मैंने इंप्रूव करवाई है तेरी लिखाई को, आधी लाइंस तो वो तेरी भी नहीं है, किसने लिखाई है तेरी पंच लाइंस वो, माय गॉश ओ माय गॉश, बंटी तू कैसा है राइवल, इसके लेवल का बेस्ट रैपर रखता है झाट पर इसको और मानता है मुझको वो आइडल। ओके, इसके लेवल का जो बेस्ट रैपर है वो कृष्णा को आइडल मानता है, कमेंट करो कि कौन है वो बंदा, मुझे नहीं पता यार ऑनेस्टली। ये रोज मिलेगी छूत अपनी पैंटी में खोज, रूप न का तू नाच कटवाई है नाक पर, मैं क्यों दूं इसकी फैमिली, रावण की बहन तेरी नीले बाल वाली सहेली भी तुझे हर रात पहेलियां सुनाती है, मिंटू और फोटो में दांत क्यों दिखाती है। ओके, जो मिंटा है ना उसको नीले बाल वाली सहेली बोला जा रहा है, आई थिंक है बंटी का तू ही चबाती है, इस पे तो लगा मैं मजबूत, आदमियों के हमाम में मत घुस, बंटी का हजाम है अद्भुत, छांट जैसे बाल पूरी आवाम में हसमुख, तेरा करियर बनाया रफ्तार ने, हां जाके अब चूम उसके तलवे, तू नरम एंड वीक थोड़ा शर्त, नो डाउट हम कह भी सकते हैं और कह भी नहीं सकते, बाकी यार मतलब ठीक है, हम मैं एक ऐसी बात कहने लगा, आप ध्यान से सुनना भाई। देखो जैसे एमीवे ने डिस किया था, डिस करने के बाद एमीवे के गानों को हाइप मिली, जरूर मिली, लेकिन उससे पहले भी वो बंदा बढ़िया काम कर रहा था, उसकी पीठ सुनती है, मैं उसको पहले से सुनता था, डिस से मैं एमीवे को पहले क्या सुनता जब उसके गाने आते थे, मैं सबसे पहले एमीवे का गाना तब सुना था, एक हाजी स्प्रिंगर करके रैपर है, पहले वो बोहिमिया के साथ होता था, उसने एमीवे का गाना शेयर किया था, कड़क बन मत बन तू ढोकला, उस टाइम से मैं एमीवे को सुनता हूँ, और उससे काफ़ी डेढ़ दो साल बाद डिस शुरू हुआ था। और अगर बात की जाए ये कहने की कि भाई वो रफ्तार के कारण ही इतना फेमस हुआ है, ठीक है डिस किया था, लेकिन जैसे अब मैं जैसे मेरी इस वीडियो को कोई टॉप का आर्टिस्ट शेयर कर दे अपने इंस्टाग्राम पे, मुझे 1000-2000 से 1.5-2 लाख व्यूज़ आ गए, और उसके बाद अगर मैं वीडियोस बनाऊंगा, काम करूंगा, फिर ही फेमस होऊंगा, या फिर ही मुझे व्यूज़ आएंगे, या फिर ही मुझे लोग देखेंगे, अगर मैं वीडियो बनानी बंद कर दूंगा तो फिर मुझे कोई नहीं देखेगा। तो उस बंदे ने भी मेहनत किया है, एल्बम्स ड्रॉप किया है, कितने अच्छे अच्छे गाने ड्रॉप किए हैं मैंने, काफ़ी उसके गाने मुझे अच्छे लगते हैं, सो हम ये नहीं कह सकते यार कि हाँ सिर्फ उसी की वजह से फेमस हुआ, ठीक है हाइप मिली थी डिस्को, उसका ज़्यादा फ़ायदा एमीवे को हुआ था, रफ्तार को कम हुआ था, क्योंकि रफ्तार ऑलरेडी लेवल पे था उस टाइम। तो सीख जैसे यार तेरे पैसे फूल में भी कपड़े, गाने में केले पक केले पक केला खाओ, नदी की तालुका तेरे बनाना से, ये दिल्ली की सल्तनत में ही यू अल्ट मशहूर तो जनानी जनाना में, cuz I've been thinking about rap sounding hip hop, कांडू अंग्रेजी नहीं आती भाई साहब, ये क्या था, कितनी लैंग्वेज बोलेगा यार ये गाने में, तो सीख जैसे यार तेरे पंजाबी बोली गई है और उसके बाद हिंदी, अब ये केला खाओ नदी की तालुका तेरे बनाना से, ये दिल्ली थोड़ी सी उर्दू टच आई है, और तेरी एल्बम फ्लॉप कह सकते हैं भाई, ऑनेस्टली 8 साल एक भी गाना नहीं सुना मैंने 8 साल एल्बम का, पता नहीं क्यों मुझे कनेक्ट नहीं हो पाया यार इस बार में। ये खुद ही मिठाई मुंबई की लौंडिया बन रही है भाई, बिलाल की कर्रा में टाइम से लाल में जीतू ये जंग जैसे 26 जुलाई शौकीन आवाम फक फेमी वे बोलो मॉकिंगली नाम, लिल बंटी से फटी थी गांड तभी 8 मिनट चिल्लाई है राम, अब ये दूसरी बाजी है जब भी तू आएगा हम लेने को राजी है, पूरी जिंदगी बनाना डिस तेरे आर्ट के लिए मेरे 6 मिनट काफी है, मतलब जब भी तू आएगा हम तेरी लेने के लिए मतलब राजी हैं, तैयार रहते हैं हमेशा, मेरा तेरे पास अगर मैं आऊंगा तू भाग नहीं पाएगा, बार ही जाएगा बंटी तो पूरा है पुसी, पेपर भी दो गई है फाड़ नहीं पाएगा, और मेरा गाना प्रमोट करने के लिए थैंक यू बिच भाई साहब, मेरा गाना प्रमोट करने के लिए थैंक यू बिच, बिलीव आर्टिस्ट सर्विस, मतलब कॉपीराइट आएगा, जब भी मैं बिलीव आर्टिस्ट सर्विस देखता हूँ मुझे पता लग जाता है कि कॉपीराइट आने वाला है इस गाने पे। भाई बहुत ही कैड़ा रैप था, मैंने काफ़ी वर्ड्स का
ब्रेक डाउन किया है और मैं नहीं कर पाया। अगर आप चाहते हो, अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं फॉर श्योर ब्रेक डाउन वीडियो भी ला सकता हूँ, कोई ऐसा नॉलेज के बाहर की चीज़ नहीं इस गाने में। और बहुत ही कैड़ा गाना था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिरिक्स थे भाई। लेकिन अब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बोलूँगा, एमवी का रैप भी अच्छा था, उसने भी ना स्टोरी लाइन रखी थी, इसने भी स्टोरी लाइन रखी है, बहुत अच्छी साउंड कर रहा था ये गाना, बेटर साउंड थी मैं बोलूँगा। ऑलवेज कृष्णा की यार वीडियो देख लो भाई, विजुअल देख लो भाई, की लुक्स देख लो, ऑल थिंग्स आर ओपी। बाकी ये थी आज की रिएक्शन, आई होप आपने एंजॉय की होगी, अगर एंजॉय किया तो फॉर श्योर वीडियो को लाइक करके एक जेन्युइन सा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं।